रुपए हो सकते, बट पैमाने पे वहाँ पे जो है डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन जारी और रेन फोर्समेंट वहाँ पे जो है तैनात किया गया है, एग्जिट और एंट्री पॉइंट को वहाँ पे सील करके रखा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे 2-3 मिलियन रुपए हो सकते हैं। बिल्कुल मैं बता दूँ कि इसमें बात की जाए तो बड़े पैमाने पे इस वक्त सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जी हिलाल, अब क्या गोलियों का तबादला हुआ या कि फिर सिर्फ इलाके को मुहासरे में लिया गया है? देखिए अभी तक गोलियों का तबादला नहीं हुआ है, अलबत्त ये बताया जा रहा है इनिशियल पहले मैं बता दूं कि सुनने में आया है कि यहाँ पे मिलिटेंट फोर्स को पहले दिखी है, उसके बाद की जो है इस रेन फोर्स यहाँ पे तैनात की गई है ताकि जो मिलिटेंट है ये भाग ना जाए और बड़े पैमाने पर गाँव को अपने मुहासरे में लेकर तलाशी अभियान लगातार जारी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद पूरी जानकारी देने के लिए। शाह इरशाद हमें पुलवामा से अपडेट कर रहे थे और उनका मानना है कि फिलहाल इलाके को मुहासरे में लिया गया है और कोई भी गोली अभी तक नहीं चली है, लेकिन जो फोर्सेस है या फौज है उन्हें इतलात है कि इस इलाके में कुछ मिलिटेंटों की आवाजाही है या मौजूदगी है जिसके चलते इस इलाके को मुहासरे में लिया गया है। मारूफ टीवी डिबेटर वकार भट्टी को भी पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया जा चुका है। जराए के हवाले से खबर मिल रही है, वकार भट्टी जो कि नेशनल प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ टेलीविजन चैनलों पर डिबेट में हिस्सा लेते हैं और माना जा रहा है कि जम्मू पुलिस की जानिब से उन्हें टंगमर्ग के अंदर गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये खबर अभी तक सिर्फ जराए के हवाले से आ रही है। हमने जो टंगमर्ग के पुलिस को हमने जब कांटेक्ट किया हमारे नुमाइंदे इश्फाक ने तो उन्होंने साफ मना किया है और उन्होंने कहा कि इस गिरफ्तारी में टंगमर्ग पुलिस की कोई जो है कार्रवाई नहीं हुई है। ताहम उन्होंने बिल्कुल माजरत से कहा है कि टंगमर्ग पुलिस इस गिरफ्तारी में शामिल नहीं है। ताहम जो जराए हैं उनके मुताबिक जम्मू पुलिस की जनब से ये गिरफ्तारी की गई है और माना जा रहा है कि उनके खिलाफ जो है केस भी दर्ज हो चुका है और एक केस जिसमें उन्होंने उन पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए मखसूस धर्म के मानने वालों को ठेस पहुंचाया है और इस तरह का इल्जाम उन पर लगा हुआ है कि कोई ट्वीट उन्होंने किया होगा जिसमें किसी मखसूस धर्म के मानने वालों को ठेस पहुंची होगी और इसके पेश नजर जम्मू पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया हुआ है। बीजेपी के कारकुन की शिकायत पर यह FIR दर्ज हुई है तो इस तरह की इतलात जो है वो मिल रही हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से खबर की तस्दीक ना ही वकार भट्टी की जानिब से हुई है और ना ही पुलिस की जानिब से अभी तक हो पाई है। नाज़रीन डल लेक श्रीनगर के अंदर एक दिलदोज वाकया पेश आया और इस दिलदोज फायर इंसिडेंट में यानी आग की इस वारदात में 9 साल की एक बच्ची जो है वो लुकमाया चल हो गई है। 9 साल की बच्ची जो इस हाउस बोट में रह रही थी वो आग के दौरान जो यहाँ रात भर आग लगी उस दौरान वो झुलस गई और झुलसने के दौरान नादिया बशीर नामी जो ये बच्ची थी वो जाम बहक हो गई है और नादिया बशीर दुख्तर मरहूम बशीर अहमद गोस्वानी जो घाट नंबर 16 के आसपास रहती थी और करीम हाउस बोट के नाम से उनका ये हाउस बोट था जहां पर ये आग की वारदात दौरान शब यहां पर हुई है और इस दौरान अगरचे इस पर काबू पाने की कोशिश भी की गई ताहम क्योंकि लकड़ी का बना रहता है ये हाउस बोट आग के शैले बहुत दूर दूर से नजर आ रहे थे और पूरा जो हाउस बोट है वो खाकिस्तर हुआ और इस दौरान यहाँ जो बच्ची रह रही थी वो भी अपनी जान गंवा बैठी है। तो इस तरह से नादिया बशीर नामी 9 साल की ये बच्ची आग की इस वारदात में जाम बहक हो गई है। घाट नंबर 16 के मुतसिल ये उनका करीम हाउस बोट के नाम से हाउस बोट था जो मुकम्मल तबाह होकर रह गया है। 9 साल की ये बच्ची अब आग की इस वारदात में जाम बहक हो गई है। तुम तिशन पाई किथ के लोग आवे आवे मजे सारी बोत
سانی شر کوری شر شنگت یہ گئی نار ست ہشار کی بہل تم شر تم گئی ہشار یہ گئی یتھے اس یوتھ ترک مے لوگ مور پان مے دس نونری نونری یہ پتہ ٹجم نار تاب سکن चलिए डल लेक की वारदात थी, काजीगुंड के अंदर जो वारदात हुई है उस पर भी हम आया चाहते हैं, लेकिन इधर बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर, उन्हें ईडी ने समन किया है। न सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से खबर आ रही है, बल्कि श्रीनगर के एयरपोर्ट एवेन्यू लिंक में एक ऑफिशियल साबिक ऑफिशियल के घर पर एसीबी की रेड भी। इस हवाले से भी खबरें आ रही है कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जनब से वहां अभी रेड लगाई गई है, जबकि दूसरी जानब यह खबर आ रही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी समन किया गया है। और इस हवाले से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी की जानब से समन किया गया है और माना जा रहा है कि यह मामला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इस वजह से सामने आया, जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ 94.06 करोड़ का जो स्कैम था उस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी नाम है। तो इस हवाले से माना जा रहा है कि उसी ने इस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन किया गया है। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ है, दोनों मामलों पर सनम एजाज से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सनम, दो इलाहदा इलाहदा खबरें, एक जगह पर ईडी के हवाले से खबर आ रही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन किया गया है उस क्रिकेट स्कैम को लेकर और उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरी जानब कहा जा रहा है कि श्रीनगर के एयरपोर्ट पर एक साबिका ऑफिशियल के घर पर भी एंटी करप्शन ब्यूरो की जानब से छापामारी हुई है, क्या कुछ तफसीलात है, किसके घर पर यह छापामारी हुई है? देखिए हिलाल, आपने घर की बात की तो घर है श्रीनगर के हुमामा के इलाके का। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सबका कमिश्नर जो हैं, लगभग 2017 में वो रिटायर हुए हैं, उनके घर पे आज छापेमारी हुई है। और जो मैंने एसीबी या दूसरे अहदेदारों से बात की तो मालूम हुआ कि 2016-17 में ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर थे और अपने दौरे के दौरान यानी अहदे के दौरान इन्होंने, इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने कुछ पोस्टिंग्स की हैं, प्रमोशंस की हैं और उसके साथ साथ कुछ अपॉइंटमेंट्स की हैं। तो उसी अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग्स एंड प्रमोशन को लेके पहले ही इनको साथ डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी हुई है और डिपार्टमेंट इंक्वायरी के बाद अब ये जो केस है ये एसीबी को सौंपा गया है। और एसीबी ने इसके हवाले से, चूंकि ये सनतनगर श्रीनगर का रहने वाला है भी है, साथ साथ में इसका श्रीनगर के हुमामा के इलाके में भी घर है, श्रीनगर के रेजिडेंसी रोड के इलाके में या रीगल चौक हम जिसे कहते हैं वहां पर एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट भी है। तो इन सभी चीजों को नजर रखते हुए एसीबी ने उनके घर पर सुबह सुबह छापेमारी की है और यह छापेमारी माना जा रहा है कि उसी प्रमोशन एंड पोस्टिंग्स कोई मामले और अपॉइंटमेंट्स के मामले को लेकर है। और आखिरी खबरें मिलने तक यानी कुछ देर पहले तक वहां पे ये छापेमारी या यूं कहें तलाशी कार्रवाई जारी थी। और अगर आपने बिल्कुल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन जो इस साबिका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के हवाले से छापामारी हुई है या वहां पर जो अभी पूछताछ हो रही है, क्या उस हवाले से पहले से ही केस दर्ज था या उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कोई खबर तो नहीं आई है, इससे पहले इस मामले में कहीं गिरफ्तार तो नहीं हुई है? देखिए उससे पहले उनकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी जो है वो जो अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट है उनके कमिश्नर सेक्रेटरी के ऑफिस से बाजाबता तौर पे उनके लिए एक इंक्वायरी पहले इनिशिएट की गई है। और ये जो कार्रवाई इंक्वायरी जो है ये चलती रही थी, इस पर कागजात काम होता रहा था, लेकिन अब ये शायद केस जो है एसीपी को सौंपा गया है। लेकिन जहाँ एसीपी की बात करें तो जो हम ईडी की बात भी करेंगे और ईडी की आज तीसरी वारंट जो है वो फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ निकली है। फारूक अब्दुल्ला लगभग 94 करोड़ रुपए के आसपास का जो क्रिकेट स्कैंडल का मामला था, क्रिकेट स्कैम जिसे कहा जाता है, उस मामले में फारूक अब्दुल्ला को इससे पहले दो बार समन हो चुका है और यह आज तीसरा समन है। अगर सरकारी तौर पे या किसी बड़े जराये से इसकी तस्दीक नहीं हुई है कि डेट कौन सी उनके समन की डेट है, लेकिन जो पुलिस ने उन्हें समन कल शुरू किया है उसमें बताया जाता है, पुलिस के एक अहदेदार ने मुझे बताया कि उन्हें 31 मई को ईडी ऑफिस समन किया गया है ताकि क्रिकेट स्कैंडल के इस मामले में उनसे पूछताछ की जा सके। आपको थोड़ा सा हिलाल बताते चले, इससे पहले उमर अब्दुल्ला से पहले महबूबा मुफ्ती को भी ईडी ने छापेमारी ईडी ने समन किया था, बुलाया था, पूछताछ की थी। और फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद या यूं कहें साहब का वजीर आला उमर अब्दुल्ला को भी ईडी ने बुलाया था, लेकिन वो जेके बैंक के मामला में था और जेके बैंक के मामला में उन्हें दिल्ली बुलाया गया था। और फारूक अब्दुल्ला को अब खबर आ रही है कि 31 मई को ईडी के श्रीनगर ऑफिस बुलाया गया समन में और उन्हें क्रिकेट स्कैंडल जो लगभग 94 करोड़ रुपए का जो क्रिकेट स्कैंडल है और बड़ा सुर्खियों में रहा था उसका
मामला जो ऑनरेबल कोर्ट तक भी पहुंचा हुआ है और कोर्ट से लेके अब तक यही बताया जाता है कि कोर्ट ने अपने उसमें जो सजा व फैसला जो है वो भी मखसूस कर रखा है, लेकिन अभी हमें इंतजार अभी वो फैसला जो है कोर्ट ने नहीं सुनाया है। तो ईडी उसी मामले में अब तीसरी बार फारूक अब्दुल्ला को समन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सरम एजाज पूरी जानकारी देने के लिए। दोनों वाकत के हवाले से एक तो हमामा के अंदर छापामारी हुई है, दूसरी जानब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन किया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानब से। और जैसा कि सरम ने कहा कि 31 मई को श्रीनगर के ईडी ऑफिस तलब किया गया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, और गालिबन जो 94 करोड़ रुपए का जो क्रिकेट स्कैम है उससे मुतलिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से सवालात पूछे जा सकते हैं। अब रुख करते हैं काजीगुंड का, क्योंकि काजीगुंड के अंदर एक दिलदोज हादसे में एक 50 साल की खातून जो है वो ट्रेन के जद में आकर जाम बहक हो गई है। माना जा रहा है कि ये खातून जो 50 साल की थी वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रही थी कि इस दौरान उससे ट्रेन की जद में वो आ गई है या ट्रेन से उससे टक्कर लग गई है, जिसके दौरान वो जमीन पर गिर गई है और मौके पर ही उसकी मौत वाका हुई है। और यह भी कहा जा रहा है कि रनिन दौलत का इलाका है जहां पर यह हादसा हुआ है। फहमीदा बानो नामी 50 साल की यह खातून जो कि जौजा है बशीर अहमद खांडे, साकिन वनपुरा पानजत इलाके का, माना जा रहा है कि वो इस ट्रेन हादसे में जाम बैक हो गई है। इस तरह से पहले श्रीनगर के डल्ले के अंदर 9 साल की बच्ची आग की होलनाक वारदात में जाम बैक हो गई, वहीं पर काजीगुंड में इस दिलदोज हादसे के अंदर ट्रेन के जद में आकर 50 साल की खातून फहमीदा बानो भी अब जाम बैक हो गई है। नाज़रीन एक सर्वे आया है जिसमें बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसमें गिरावट आई है। यानी इससे पहले यही कहा जा रहा था कि हर 1000 में से लगभग 20 जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे जिनकी उम्र 1 साल तक की है, वो जाम बैक हो जाते थे, वो मर जाते थे। लेकिन अब इसमें बताया जा रहा है कि इसमें गिरावट आई है, अब ये जो फिगर है 17 तक पहुंच गई है। क्या है मुकम्मल जानकारी और सवाल से वजूहत क्या है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया या कोई और तरीका कार बेहतर हुआ है जिसकी वजह से ये रेशो जो है अब धीरे धीरे कम हो रहा है और नेशनल रेशो के मुकाबले में ये बहुत कम जम्मू कश्मीर के अंदर बताया जा रहा है। सईद इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ है। फाजिल, जानना चाहेंगे आपसे कि अब जो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इसमें माना जा रहा है कि कमी आ रही है, 20 से गिरकर यह 17 पे आ गया है, जो किसी ना किसी हद तक जो इसमें गिरावट है वो एक खुशाइन बात है। क्या वजूहत हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि नेशनल लेवल पर भी जो रेट है ऐसे बच्चों के मरने की उससे कम जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो इसके क्या वजूहत बताए जा रहे हैं, किन बुनियादों को लेकर यह रेट धीरे धीरे बेहतर हो रही है? बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल साहब। अगर सबसे पहले इस बात को लेकर जिस तरीके से आपने कहा कि मोर्टेलिटी रेट जो है इन्फेंट्स को लेकर जो कि 1 साल में तकरीबन पहले 20% से अब 17% पर पहुंच गई है, हम ये कह सकते हैं कि इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो अपग्रेडेशन ऑफ फैसिलिटी बेस्ड न्यू बेबी बॉर्न केयर यूनिट्स है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे पहले जिस तरीके से केयर यूनिट्स होते थे या जिस तरीके से सहूलियात होती थी उसमें अब एक अच्छा खासा यानी कह सकते हैं अच्छी खासी डेवलपमेंट आई है, एक प्रोग्रेस आई है। क्योंकि पिछले 2-3 साल से अगर हम हेल्थ मिशन के हवाले से देखें तो कई सारी स्कीम्स सामने नजर आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ है। और साथ ही साथ एक ये भी रिपोर्ट आ रही है कि स्पेशल न्यू बेबी बॉर्न केयर यूनिट जो है उससे तकरीबन 27 डिस्ट्रिक्टों में नए लगाए गए हैं, जो पिछली बारी जो है जिसमें रेट कम आ रही थी। अब इसके साथ साथ जो इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम्स है, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स है, डायरिया केयर यूनिट्स है, उसे भी डेवलप किया गया है। और सबसे बड़ी बात हिलाल साहब इसमें यह है कि मोर केयर एंड सिविक सेंस जो पेरेंट्स में बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। अगर हम थोड़ा सा देखेंगे पहले जिस तरीके से थोड़ा सा नॉर्मल अगर देखते थे कि बच्चा बीमार होता है तो उसको लाइटली लिया जाता था, तेल मालिश की जाती थी या हकीमी इलाज किया जाता था। अक्सर बेशतर हम देखते थे रूरल एरियाज में जिस तरीके की ये फैसिलिटी नहीं होती थी वो लाइटली इसे लेते, मगर आज थोड़ा जो सिविक सेंस है वो काफी ज्यादा डेवलप हो गई है। पेरेंट्स जो है वो काफी ज्यादा यू नो केयर करने लगे हैं बच्चों को, थोड़ा सा जुकाम नजला वगैरह हो गया अब वो सरकारी अस्पताल में कम
ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ रुख करते हैं, यानी वो देखते हैं कि कितना जल्दी बच्चे को पीडियाट्रिक केयर मिलेगा और एक स्पेशल केयर मिलेगा, क्योंकि पहले जमाने में अगर कह सकते हैं कि थोड़ा फैसिलिटीज नहीं थी, मगर आज सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स में एक अच्छी खासी सिविक सेंस डेवलप हुई है, जिसकी वजह से ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आगे। इरफान, जब हम जम्मू कश्मीर के अंदर देखते हैं कि अभी यहाँ बच्चों के लिए जो मखसूस हॉस्पिटल्स है वो भी महदूद है, वो अभी ज्यादा नहीं है जम्मू हो या कश्मीर हो, लेकिन उसके बावजूद जब हम बच्चों की तादाद देखते हैं सिर्फ शहर के कुछ इलाकों में इस तरह की फैसिलिटीज जो है या टाउनशिप्स में इस तरह की फैसिलिटीज सरकारी हॉस्पिटल्स में है, लेकिन गांव देहात के जो लोग हैं वो अभी भी इन फैसिलिटीज के हवाले से जूझ रहे हैं। तो क्या जो गांव देहात के लोग हैं वो बच्चों के केयर के हवाले से, बच्चों को ट्रीटमेंट सही वक्त पर देने के हवाले से क्या कुछ करते होंगे? देखिए, एब्सोल्युटली करेक्ट, अगर देखा जाए तो अब ये वो गांव देहात की बात जो है वो काफी चेंज हो गई है। अब हम देखते हैं कि रूरल एरियाज में भी काफी एजुकेशन फैल चुकी है, काफी ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अब उन्होंने इस चीज को लाइटली नहीं लिया है। पहले हम कह सकते हैं दादा बुजुर्ग जो है वो तेल माली से काम चलाते थे, मगर आज रूरल एरियाज से जो गांव देहातों में जो लोग रहते हैं वो विदाउट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बच्चे को बहुत जल्द प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले, एंड दैट इज रियल कॉज जिसकी वजह से मोर्टैलिटी रेट में जो है वो कमी पाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल जानकारी देने के लिए। यानी बच्चों की जो मोर्टैलिटी रेट है, खासतौर पर एक साल तक के उम्र के जो बच्चे हैं उस पर जो मोर्टैलिटी रेट है, यानी मरने की जो रेट थी वो उसमें अब कमी आ गई है, जो जम्मू कश्मीर के लिए खुशाइंद बताई जा रही है। नेशनल लेवल पर यह रेट 28 है, यानी हर 1000 में से 28 बच्चे मरते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर यह रेट नेशनल रेट के मुकाबले में कम, यानी 17 है, जो इससे पहले एक साल 20 थी। खबर आ रही है कि ट्रांसपोर्ट कवानीन के अंदर अब कुछ तब्दीली आ गई है, यानी जो रजिस्ट्रेशन थी या उसके साथ साथ जो दीगर लवाजमात हैं उनको पूरा करने के हवाले से अब महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से या जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से उसमें तब्दीलियां लाई जा रही हैं। सही तजुमल से जाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की ये तब्दीलियां जो है लाई गई हैं कवानीन में। तजुमल जानना चाहेंगे कि खबर आ रही है कि अब ट्रांसपोर्ट कवानीन या खासतौर पर जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से कागजात व दीगर चीजें होती हैं उसको अमलाने के हवाले से अब माना जा रहा है कि कुछ तब्दीलियां लाई गई हैं, कुछ तरामीम लाई गई हैं, तो किस तरह की तरामीम और तब्दीलियां लाई जा रही हैं? मिनिस्ट्री की तरफ से जो गाइडलाइन सामने आ चुकी है उसमें जम्मू कश्मीर में भी अब इसका बाकायदा तौर पर आगाज होने लगा है। सबसे पहले जब आप रिटेल वैल्यू पर, टू वैल्यू पर एक मालिक की गाड़ी दूसरा शख्स खरीदता था, उसके बाद उन्हें आरटीओ ऑफिस या मुकलका एयरपोर्ट ऑफिस में जाकर उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन होता था, उसके बाद ट्रांसफर चेक बनाए जाते थे, और उसके बाद ये गाड़ी जो है एक मालिक से दूसरे मालिक की तरफ तब्दील हो जाती थी। अब कवानीन में रिलैक्सेशन मिली है कुछ अमेंडमेंट और तरामीम के साथ। अब नई गाइडलाइन जो है, अब ऑनलाइन पोर्टल जो कि वाहन पोर्टल के नाम से जाना जाता है पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूपी में भी, अब आप ऑनलाइन पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके जिसमें आपका आधार कार्ड रजिस्टर्ड, आपका मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड हो तो दो में से एक का दस्तावेज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो है, जो मालिक के खाली से आप गाड़ी खरीदे हैं और जो दूसरे शख्स गाड़ी खरीदा है वो गाड़ी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वो आधार की चीज नहीं कर दी गई है, बल्कि जो शख्स आरटीओ एआरटीओ ऑफिस होटल का अफसरों के पास जाकर इस गाड़ी को फिजिकल वेरिफिकेशन के पास ट्रांसफर करना चाहती है वो रास्ता भी है। लेकिन ये कदम इससे उठाया गया है कि एआरटीओ आरटीओ ऑफिस में बहुत ज्यादा फुटफॉल आने की वजह से, फाइलों में तबालत पड़ने की वजह से काम मुतासर हो जाते थे, और कई एक बार हमने देखा कि मुतल का ऑफिसर जो होते हैं वो बाहर सर्वे के दौरे पे होते हैं, सरकारी दौरे पे होते हैं, जिससे आरटीओ ऑफिस और एआरटीओ ऑफिस में भीड़ लोगों की बढ़ जाती है और काम कम हो जाते हैं। इस तरह से ऑनलाइन आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वो आप एक हफ्ते में हासिल कर सकते हैं। उसके बाद कई एक जगहों पर आपको ये भी है कि हासिल की जा सकती है। सही तजुमुल हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से ट्रैफिक कवानीन के अंदर जो लवाजमात पूरे करने हैं या कोई भी गाड़ी खरीदनी हो या लाइसेंस बनानी हो या दीगर चीजें हो, अभी सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन में भी आपको एक महदूद वक्त दिया गया है जिसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें ये सारी चीजें पूरी करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सही तजमुल पूरी जानकारी देने के लिए। तो नाज़रीन ये था आज का उर्दू खबरनामा, इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।